तो आप लोग ये ब्राह्मणी ऊर्जा का जो आज हमारा कोर्स है, इससे आप लोग क्या समझते हैं पहले ये बताइए। जिन लोगों ने किया है, आई एम नॉट टॉकिंग, आप जवाब ना दें, पंकज जी स्पेशली आप, और बाकी जो है आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं कि क्या होगा ब्राह्मणी ऊर्जा? आपने लास्ट टाइम में थोड़ा हिंट दिया था, इट्स लाइक कॉस्मिक हीलिंग, कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जी, सो उससे हीलिंग या हाँ वो सब। राइट। देखिए, हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं कि, हाँ प्रमिला जी बोल दीजिए आप पहले, फिर मैं स्टार्ट करूं। नहीं, जैसे नाम है ब्राह्मी ऊर्जा, तो मैंने रिलेट किया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आप लेकर हीलिंग का कुछ टेक्निक सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही है, क्योंकि हमारे आसपास सब दूर तो एनर्जीज ही है ना अल्टीमेटली, और जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं वो तो अबंडेंटली हमारी तरफ फ्लो हो रही है, हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उन एनर्जीज को अपने अंदर लेंगे और उसके थ्रू हीलिंग्स करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू हीलिंग्स कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ऑलरेडी वो एनलाइटेंड सिंबल्स हैं, वो ऑलरेडी पावर्ड सिंबल्स हैं। हमने अभी तक लामा फेरा हुंकारा में यही किया है ना, और बाकी जो है वो मेंटल लेवल की हीलिंग्स करी। अभी ये हम डायरेक्ट यूनिवर्स से रेस को लेंगे, यूनिवर्स से हम एनर्जीज को लेंगे और फिर उसके थ्रू इंस्टेंट हीलिंग करेंगे। जैसे किसी को कहीं पर पेन हो रहा है, ठीक है, कहीं किसी को कोई ऐसा इश्यू है, जैसे बॉइल्स आ जाते हैं, बच्चों को पिंपल्स आ जाते हैं। अब पिंपल्स आते हैं तो क्या होता है, पिंपल आया है और उसके बाद वो चला भी जाएगा लेकिन वहां पर निशान रह जाता है, राइट? तो इट डजंट लुक गुड, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना? फिर ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे उसमें, जिसमें हमको लिटरली मेडिकल लाइन की बहुत जरूरत पड़ती है, सर्जरीज होती हैं। अब वहां भी तो हमको ऐसी चीजें चाहिए ना जो हमको भ्राम, जैसे हम कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। तो वो दुआ जो है वो हम यूनिवर्स से मांगेंगे, हम किसी एक उससे नहीं मांग रहे कि भैया हम इस भगवान को मानते हैं तो हम सिर्फ इसी से लेंगे, हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं। अब वहां जितने भी देनदार बैठे हुए हैं, है ना, जो भी देने वाले बैठे हैं वो सब इकट्ठे होके हमें दे रहे हैं। आप ये सोचिए, तो आपके पास कितना अबंडेंटली एनर्जीज आएंगी, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको तैयार होना है। कैसे तैयार होते हैं हम? सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली अपने एक तो माइंड को डीक्लटर करने की बहुत सख्त जरूरत है इसमें, राइट? आपका जो दिमाग है वो हर तरफ से हटा दीजिए। अगर किसी को खाना बनाना है तो प्लीज आप जाके खाना बना लो, बेटर है, ठीक है? ध्यान इधर उधर मत कीजिए, बिकॉज जब एनर्जीज आपके अंदर आती है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो एकाग्र होके बैठिए, अपने अंदर उन एनर्जीज को लीजिए, उनको फील कीजिए। जब तक आप उन्हें फील नहीं करोगे तब तक वो आपके साथ काम नहीं कर सकती। हमारा एक ध्यान इधर होता है, एक उधर होता है, एक इधर होता है, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते, सबके खाने का टाइम है ना? लेकिन थोड़ा सा डीक्लटर कीजिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर आप हाफ एन आवर भी ध्यान दे दोगे ना तो भी बहुत है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपेयर होके आओगे। पहले खाना बना के दे दिया, टेबल पे रख दिया, भैया खा लेना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और जिन लोगों ने नहीं खाया तो आप पहले खा के आ जाओ, है ना? अगली बार से वो कर लेना, ठीक है? सो आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पूर्णिमा का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, वो जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जीज आसपास इतनी सारी हैं, अगर हमने अभी उनको नहीं लिया तो फिर फायदा क्या है? ओके? और ये भी एक तरह से पार्ट है कोर्स का कि हम किस तरह से कॉस्मिक एनर्जीज को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन आज हम लॉर्ड बुद्ध को अपने सामने रखेंगे और उनसे हम एनर्जीज ले लें, ठीक है? तो सब लोग सीधे बैठ जाएंगे हमेशा की तरह, कंधों को पीछे की तरफ करेंगे, हाथों की जो पाम्स हैं वो ऊपर की तरफ, लैप पे रखिए सब लोग। हाँ, म्यूटेड रहे, पानी वानी पी के बैठिए सब लोग तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे पांचों एलिमेंट्स आपके बैलेंस होंगे।